अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हिना आज आप क्या कर रहे हो किचन में? आज हम कुछ अलग तो नहीं, हमारी कम्युनिटी में तो कुछ अलग नहीं, लेकिन आप सबके लिए कुछ थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ की मेनली डिश जिसे हम कहते हैं खौसा, ठीक है। बेसिकली ये रेसिपी मेरी सासू मम्मा की है, तो मैंने उनसे बनाना सीखा है। और इसके अलावा इसकी कुछ छोटी सी हिस्ट्री हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप सुनना चाहेंगे? डेफिनेटली, हिस्ट्री तो बताना बनता ही है। ओके, इसकी हिस्ट्री ये है कि बेसिकली ये डिश आई थी बर्मा से। बर्मा से ये ईस्ट इंडिया की तरफ जो फर्दर कहते हैं उसे क्या कहते हैं, माइग्रेट हुई। और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो फूड स्ट्रीट्स होती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा पसंदीदा डिश मानी जाती थी। और आज हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पसंद से या शौक से, बड़ों में, छोटों में, बूढ़ों में, सब में बहुत शौक से खाई जाती है। तो आज हम उसकी कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखते हैं कि वो कैसे बने। ओके, ठीक है ना? तो ये बताइए हम ये स्टार्ट कैसे लेंगे? ओके, हमारी जो डिश है वो बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। पहले हमारे पास जिसे हम कहते हैं सालन, जो भी आइदर आपके पास चिकन और बीफ एज यू लाइक, ठीक है। दूसरा है हमारे पास करी एंड तीसरा इज फॉर द नूडल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है जो कि सालन का है, हम उसे पहले कवर करेंगे। ये डिश कितने लोगों के लिए है सुबह बनानी है? ओके, डिपेंड अपॉन योर डाइट एंड डिपेंड अपॉन योर फूड। बेसिकली आज मैं जो बनाने जा रही हूँ कम से कम आप 6 लोग खा सकते हैं, इजीली हम 6 लोगों को ये सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम इसको मैरिनेट करते हैं कि किस तरह से हमें सब कुछ मैरिनेशन करनी है। लेट्स गो। सबसे पहले हमें जो लेनी है चिकन वो है 1/2 किलो, ठीक है। उसके साथ साथ हमें जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको फर्दर जब मैरिनेट कर रही होंगी तो आपको ज़्यादा क्लियरली मैं बता दूंगी। इसके साथ साथ हमारे पास 1/2 पाव दही है, ठीक है। और हमारे पास जो प्याज है वो इसे हम कहेंगे पीसी भी प्याज लेंगे, ऑलमोस्ट 10-12 दरमियानी साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मैरिनेट। सबसे पहले हम लेंगे 1/2 पाव दही, ठीक है। 1/2 पाव दही को हम इसके अंदर डालेंगे पूरा, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे पहले हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 2-3 टेबलस्पून। फिर हम आते हैं हरी मिर्च की तरफ, पीसी भी होनी चाहिए, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो कितनी मिर्चों वाली ज़्यादा अगर तेज़ है, या आपको जैसे स्पाइसेस जितना स्पाइसी की नीड है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम 5 चम्मच डाल रही हूँ एज आर टेस्ट। देन हम आते हैं रेड चिली पाउडर की तरफ, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो आप उसको कितना स्पाइसी करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे अभी 2 टेबलस्पून ये मौजूद है, ठीक है। फिर हम आते हैं गरम मसाला, ठीक है। ये है हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला, कम से कम 1.5 टेबलस्पून है, ताकि आपके जो खाने का जो टेस्ट है वो इसको ज़्यादा इन्हेंस करता है। एंड लास्ट नॉट लास्ट, ओके, हमारे पास हल्दी है, हल्दी पाउडर है, ठीक है। ये हम लेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑल्सो। एंड सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आइदर आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना चाहिए। खैर, एक बात शेयर करने जाऊंगी कि ज़्यादा सॉल्टी खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, आप हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है आप सबको, या ज़्यादा कुछ भी है, तो मेक श्योर कीजिए कि सॉल्ट की अमाउंट जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड जायका इसमें यूज़ कर रही हूँ। फाइनली हमारे पास मैरिनेट हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका लुक आएगा, इट इज़ लुक लाइक स्पाइसी एंड ऑल दैट थिंग्स। सो आप इसको मैरिनेट करके 20-30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा। मीन वाइज हमारे पास ये प्याज है, ठीक है, अब इस प्याज को हम फ्राई करेंगे, ठीक है। अब
अब हमने तेल गरम रख दिया, ये ऑलमोस्ट 2.5 कप्स तेल है हमारे पास, ठीक है. और जो हमने ये 12-10 प्याज जो हमने पीस के रखी थी, ठीक है, अब उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे फॉर दैट सालन, ताकि हमारा फर्स्ट पार्ट, जैसा आप देख सकते हैं प्याज तो हमारी वहाँ पे कन्वर्ट सॉरी आई मीन तल रही है. मीनवाइल अब हम जो खाउसे की जो दूसरा सेक्शन है, कढ़ी का जो सेक्शन है, ठीक है, हम उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं इस तरफ क्या मौजूद है. ओके, कढ़ी बनाने के लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है चने का आटा, ठीक है, जो कि पाव चने का आटा की हमें ज़रूरत है. उसके साथ साथ हल्दी है हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा येलोइश नहीं करनी है क्योंकि कोकोनट कढ़ी है. इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो है ग्रीन चिलीज, ठीक है, डिपेंड अपॉन योर अगेन टेस्ट या आपको कितना जो स्पाइसी चाहिए होता है. इसके साथ हमारे पास जो है ये है पीसा हुआ ज़ीरा, दे आर ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून. इसके साथ हमारे पास आधा पाव दही, बिकॉज इसको ज़्यादा खट्टा नहीं करना, अगेन फॉर द रिमाइंडर कि ये कोकोनट कढ़ी है, ठीक है. इसके साथ मैंने ये जो खोपरा है, ठीक है, हमारे पास जो ऑलमोस्ट पाव खोपरा, जो पीसा हुआ खोपरा होता है, उसको पानी में बॉयल करके पकाया है फॉर द कोकोनट मिल्क. यूजुअली लोग पैकेट टेट्रा पैक्स यूज़ करते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप खुद बनाएं तो ज़्यादा बेटर होता है. तो ये हमारे पास कोकोनट मिल्क के लिए है. आइए चलते हैं देखते हैं कि कढ़ी का प्रोसेस किस तरह से होता है. हमने जो कोकोनट को बॉईल करके रखा था, जो पीसा हुआ खोपरा था, ठीक है, उसको जो हमें कोकोनट मिल्क बनाना है, उसके लिए हमें जो है इससे पहले पीसना पड़ेगा, ठीक है. तो देखते हैं, सिर्फ पहले हम पीस लेते हैं. प्रॉपरली ग्राइंड कर दिया गया है. अगर आप उसको करीब से देखें, अगर प्लीज आप दिखाइएगा करीब से कि ये मिल्क फॉर्म में प्रोड्यूस हो चुका है हमारे पास, ठीक है. तो हम इसे पहले छान लेंगे और यही प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली 4 टाइम्स करना है. जिस भी आपको बर्तन में आपको बनाना है कढ़ी, ठीक है, आप उसको ले लीजिएगा. उसके साथ आपकी जो भी जो छन्नी होती है, जो कहते हैं, ठीक है, आप उसको लेकर उसके अंदर आप उसको ऐसे डाल दें ताकि आप उसको अच्छे से, हमने इसे यहाँ पर पोर कर दिया ताकि हम इसका जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो अच्छे से निकाल सकें. अगर आप देखें यहाँ पर ये रिमूव आउट हो रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से इसको कंप्रेस करना है, ठीक है. जितना प्योर एक्सट्रैक्ट आपके पास निकलेगा उतना अच्छा रहेगा, और यही आपको प्रोसेस कम से कम 4 to 5 times करना है. सेम प्रोसेस पीसना है, ठीक है. पीसने के बाद उसको इसी तरह से आपको छानना है. अब आप देख सकते हैं मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, ठीक है, उसको प्रोसेस को 5 times करने के बाद अगर आप देख सकते हैं कि कोकोनट मिल्क जो हमारी कढ़ी के लिए, ठीक है, वो हमारे पास रेडी है, ठीक है. अब उसका जो सेकंड पार्ट है इस कढ़ी का, ठीक है, हम उसमें जो एडिशन था वो था दही, ठीक है, जो हमारे पास आधा पाव दही थी, ठीक है, उसको हम ले लेंगे, ठीक है. द सेकेंड हमारे पास जो चीज़ थी वो है पीसा हुआ ज़ीरा, ठीक है. पिसा हुआ ज़ीरा जो है हमें लेना है 1.5 टेबल स्पून. इसके साथ हमारे पास हल्दी, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हल्दी हमें इतनी ही लेनी है कि येलो कलर बहुत ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि कोकोनट कढ़ी है, ठीक है. तो ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून है हमारे पास. ओके, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो हरी मिर्च है पीसी हुई. अगेन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना इसको, लेकिन अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने डिपेंड अपॉन योर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो मिर्चें यूज़ की हैं, ठीक है. अच्छा, ये चने का आटा अगर आप खुद देख सकते हैं तो इतना सारा उसके अंदर हम लोग पोर नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा चने का आटा भी फिलहाल यूज़ कीजिएगा इसके साथ ताकि ये मिक्सअप हो जाए. लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि ये चने का जो आटा पूरा जो आपके पास है, ठीक है, आप इसको स्लोली आप पानी के साथ इसको ग्राइंड करके आप फिर इसको यूज़ करें, ठीक है. मैं आपको यहाँ पर ये करके दिखा रही हूँ. अब हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से, ठीक है. अगर आप देख सकें यहाँ पर, ये जो हमने अभी इसको ग्राइंड जो किया है, ठीक है, दही, चने का आटा,
मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ जीरा, ठीक है, उसको हम इस तरह से ही छन्नी पे जो है वो हम इसे छान लेंगे अच्छे से. रीज़न इज दैट कि इसके छोटे 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 जो दाने हैं हमारे पास वो भी इसके साथ ही रिमूव आउट हो जाए. ठीक है, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप ये नीचे देख रहे हैं, इट्स गोइंग इनसाइड लाइक दिस. आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह से मोड़ किया. अच्छा, अगर आप इसको बहुत और एडिशन करना चाहें तो ये जो एक्सक्रेट हमारे पास जो अभी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, हमारे पास जो रिमेनिंग चने का आटा था, आप यही चीज़ उसमें यूज़ करके इसको ग्राइंड करके चने के आटे को इसके ऊपर यूज़ कर लें. मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ, लेकिन टोटल चने का आटा आपको इसी तरह से ही यूज़ करना है. सारे स्पाइसेस अगैन एंड अगैन यूज़ नहीं करने. ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास एक्सक्रेट जो यहाँ पे आया है, ठीक है, हम इसको दोबारा मैं इसको यूज़ कर लूँगी फॉर द टेस्ट के चने के आटे में जो ये टेस्ट है, ठीक है, वो उसमें यूज़ हो जाए. आटा था, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद अब लेंगे ताकि उसका डेफिनेटली चने के करी उसके बगैर तो अधूरी ही है. ठीक है, हमने ये थोड़ा बहुत यूज़ किया इसके अंदर. मैं नमक का आपको कहना भूल गई थी कि नमक आपको हस्ब जायका जो भी आपका जायका है उसके हिसाब से आप नमक यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब उसे हम ग्राइंड कर लेंगे दोबारा से. अच्छा, पानी आप देखिएगा कि आपको कड़ी में पानी कितना चाहिए, उसके हिसाब से कि आपको यूज करना है. ठीक है, ठीक, उसको ग्राइंड कर लेंगे. देख रहे हैं ये रेडी है मेरे पास. ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जब तक करना है जब तक आपका जो पाव चने का आटा है, ठीक है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए. पानी उतना ही लीजिएगा जितनी नीड हो, ज़्यादा पानी से ये पतली हो जाएगी और उसको फिर गाढ़ा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ओके, इन बिटवीन जब हम करी बना रहे थे तो हमारी जो प्याज, अगर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है. ठीक है, तो अब हम जो हमारा जो सालन है उसको बनाने के लिए हम रख देते हैं. जो हमारा चिकन हमने जो मैरिनेट करके रखा था, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 30 मिनट्स. ठीक है, तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं. ओके, हमने इसके अंदर जो चिकन जो भी हमारी हमने जो मिक्स मैरिनेट करके रखी थी, ठीक है, हमने उसके अंदर डाल दिया है ये. अब इसको हम मिक्स करके, ठीक है, इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे. इट विल बी अराउंड टेक 15 to 20 मिनट्स टू बी कुक्ड. एज यू नो द चिकन का जो टाइम है वो उतना ही होता है. ठीक है, उसको मैरिनेट करके मिक्स करके आपने से हल्की आँच पे रख देंगे. मीन वाइल अब हम करी की तरफ आएंगे. जब तक ये हो रहा है, ठीक है, हम करी की तरफ आएंगे. बिटवीन जो हमने करी तैयार की थी, जो चने का आटा था, मेक श्योर कीजिएगा पानी उसमें ज़्यादा ना हो, क्योंकि एज बिफोर कोकोनट मिल्क में भी पानी था हमारे पास. ठीक है, तो आप उस चीज़ को बैलेंस करके रखिएगा. अब हम ये एक और बात मेक श्योर कीजिएगा कि स्टोव जो है वो आपका ऑन ना हो. अभी यहाँ पे स्टोव ऑन नहीं है, बिकॉज अगर आपने ऑन किया एंड आप दूसरे कामों में लग गए तो इट विल बी नॉट गुड फॉर दैट. मैं आपको बताऊँगी कि रीज़न क्या है इसके पीछे. मीनवाइल उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर लिया है, अगर आप देख सकें, ठीक है, थोड़ा सा हमने बटर लिया है ताकि हम ये इसमें हमने ऐड कर दिया है. ठीक है, अब इसको एक टिप है, या अगर आप ये देख लें कि करी को जब आप स्टोव ऑन कर दें, ठीक है, स्टोव आपका जब भी ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको अपना हाथ इस करी के अंदर से रोकना नहीं है. रीज़न इज़ दैट कि कोकोनट मिल्क और जो चने का आटा है व्हेन दे गेट मिक्स टुगेदर, ठीक है, तो इसमें आपको जो वो फटा फटा सा लुक आना स्टार्ट हो जाता है. तो आपका हाथ कंटिन्यूसली इस पर जो है वो आपको मूव करते रहना है ताकि ये ईजीली आपस में मिक्सचर आउट हो जाए. और आप जब तक ये सूदिंगली इफेक्ट नहीं दे रहा तब तक आपको अपना हाथ नहीं रोकना. आप देख रहे हैं करी का ये जो लुक है, ठीक है, हमारे पास पहले वाटरी लुक था, अभी स्मूथी लुक आ रहा है. लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जो डेफिनेटली चने का आटा, ये जो हमारे मिर्चें हैं इसके अंदर, ठीक है, हल्दी है, उसका जो आफ्टर टेस्ट इफेक्ट जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए. तो पानी डाल के या उसको हल्की आँच पर आप लोग उसे पकने दीजिएगा ताकि उसका टेस्ट ख़त्म हो जाए, वो डेवलप्ड हो जाए एक अच्छी करी फॉर्म में. आप उसको देखते रहिएगा. और एक मेक श्योर, आपने कभी देखा हो कि दूध अगर किसी चीज़ से फट जाता है तो उसका लुक कैसा आता है, वैसा ही लुक इसका भी आ
सकता है अगर आप कंटिन्यूसली इसमें जो चम्मच है वो घुमाते ही रहेंगे मीनवाइल जब तक ये बॉयल नहीं हो जाते. ठीक है, बॉयल होने के बाद इसको आप हल्की आँच पे आप इसे पकने के लिए छोड़ सकते हैं. आप ये देख रहे हैं इसका टेक्स्चर बिल्कुल स्मूथ ही टेक्स्चर है, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. खाउसा रेडी हो गया? जी बिल्कुल, खाउसा रेडी हो चुका है हमारे पास. अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे पास पैकेटीज करी एंड जो सालन है हमारे तीन जो मेन लवाजमात थे. ठीक है, बिसाइड अदर थिंग्स हमारे पास यहाँ पे कुछ जो छोटी 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 चीज़ें हैं जो कि इसका टेस्ट मज़ीद डेवलप करती हैं, उसको मज़ीद टेस्टी बनाती हैं. हमारे पास तली हुई प्याज जिसे हम चाइनीज सॉल्ट जीनो मोटो कहते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास ये जो है वो जो हमारे पास सूखी हुई लाल मिर्च जो गोल होती है, ठीक है, उसको हल्का सा फ्राई करके लाइट फ्राई करके उसको आप पीस सकते हैं, उसको ग्राइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास ये इस फॉर्म में आएगी. ऑल्दो के कुटी हुई लाल मिर्च इज़ ऑल द सेम थिंग, बट ये आपके पास अलग टेस्ट डेवलप करेगी. इसके साथ साथ हमारे पास जो एग नूडल्स की जो स्पैगेटीज थी हमने उनको लाइट ऑयल में फ्राई किया है फॉर द गिव द क्रिस्पी लुक और द क्रिस्पी टेस्ट. ओके, बॉयल एग्स हैं हमारे पास. इसके अलावा हमारे पास ग्रीन चिलीज जो बड़ी वाली होती हैं, हमारे पास कोरिएंडर्स हैं एंड इसके साथ साथ हमारे पास लेमन है. उसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हमने इसे यूज किया है. आइए इसे मिक्स करते हैं आप. और फाइनली सारी गपशप एंड ऑल दैट थिंग्स के बाद हमारा खाउसा रेडी है. सो मोहम्मद अली, आर यू एक्साइटेड? डेफिनेटली, अब मैं इसको टेस्ट करूंगा और हमारे नाज़रीन से भी कहूंगा उसको टेस्ट करें और हमें बताएं कि किस तरह कैसा बना इनका अपना खौसा. और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे ये मेमोनी डिश क्या है और किस तरह बनती है. सो टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. मिलेंगे, ओके. लव फॉर